हेलो दोस्तों नमस्कार। आप लोग को पता ही है कि मतलब हमारे घर में झगड़ा हो गया हमारे भैया और भाभी में, और दोस्तों हमारे जो प्रिय मित्र हैं राहुल भैया, राहुल चौरसिया जी, झगड़ा सुन के अपना परिवार समझते हैं, हम लोग को मतलब अपना ही समझते हैं। वहाँ से खलीलाबाद से भीगते भीगते दोस्तों आए हैं कि भाई सभी लोग जानते ही होंगे कि मैं बदनाम भी हूँ और सबके किसी के नज़र में मैं अच्छा भी हूँ और किसी के नज़र में मैं बुरा भी हूँ। भाई राहुल भैया हाँ। वो तो अपनी अपनी सोच होती है, मतलब सोच जैसे ही मैं आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, मैं जैसे ही उठा तो मैं देखा क्या नाम है विष्णु भैया का एक मेरे पे आया। मैं जैसे यूट्यूब खोला, जैसे ही मैं देखा वीडियो में कि विष्णु भैया ऐसे परेशान हैं और ऐसा वीडियो बनाए हैं, तो अपने को रहा नहीं गया। बारिश भी बहुत तेज थी, मैं कहा चलो चलता हूँ। तो भीगते हुए मैं 40 किलोमीटर दूरी से था तो मैं विष्णु भैया के घर पे आया। तो यहाँ मैं देखा हूँ कि चलो जो भी है, हम कहना ही चाहते हैं मियाँ बीवी हैं, चाहे हमारी भी शादी हुई है, जो हो सके आप भी देख रहे हो, हमारे जो दर्शक होंगे इस पर आप लोग भी जानते हैं कि मियाँ बीवी में झगड़ा होता रहता है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और जो भी है अच्छा है। भाई हम लोग तो यही कहेंगे कि आपस में परिवार में दो देखिए हम इधर तक हैं। देखिए मैं आज आपके बीच में हूँ तो विष्णु भैया के देन है, ठीक है। गुरु एक गुरु होता है, गुरु जब परेशान रहेगा तो चेला कहाँ कुछ रहेगा। और बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ, दिखा सकते हैं सभी लोग, मतलब देख सकते हैं सब लोग हैं, झगड़ा सुन के आए हमारे सभी लोग, देखे कि क्यों हुआ है कैसे हुआ। मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ। कहने का मतलब ये है कि मेरी फैमिली है, मैं अपनी फैमिली के बारे में क्या बोलूँ। अब प्लीज़ जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी हमारे मित्र हैं जो विष्णु भैया को जानते हों या हमारे भैया को जानते हों, आप लोग वीडियो जो भी बनाइए सीधा बनाइएगा, कुछ उल्टा मत बनाइएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सही हुआ है, थोड़ा आदमी डिप्रेशन में आ जाता है क्योंकि विष्णु भैया इतना अपने ऊपर काम लिए हुए हैं, उनके जैसा कोई काम करेगा तो डिप्रेशन में आ जाएगा। हम इस लाइन में घुसे, हमें पता है ना कि हम कितना खुश रहते हैं और कितना डिप्रेशन में रहते हैं। कम से कम कुछ नहीं तो सुबह से ही पता नहीं हमारे पास कितना कॉल आ चुका है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, हमारे विष्णु भैया जैसे हैं, हमारी भाभी जैसी हैं, सब ठीक है। और जल्द ही आपके बीच में नया वीडियो भैया जी का आएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्या करें, परिवार का मैटर है, मतलब परिवार दो फैमिली में होता है झगड़ा, हमारे राहुल भैया ही सब बताएं। और दोस्तों हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं जो कि खलीलाबाद से एक आवाज़ सुने और वहाँ से आ गए यहाँ तक, भीगते भीगते आए हैं। जो दोस्तों अपना होता है ना वही अपने के लिए दौड़ता है। तो नहीं परिवार है जो, जैसे कहने का मतलब ये है आज हम इनके दुख में नहीं रहेंगे तो हमारे दुख में कोई रहेगा। तो सभी लोग आप भी हमारे परिवार हैं, जैसे हमारी जो यूट्यूब फैमिली है सब हमारे हैं। आप आज जो भी हूँ मैं, चाहे मेरे विष्णु भैया हों, चाहे मेरे जितने भी यहाँ भैया लोग बैठे हों, सब आप लोग के प्यार से बैठे हैं और सब आप ही भगवान हैं। आप जिसको चाहोगे उसको आगे बढ़ाओगे, जिसको चाहोगे भैया नीचे बढ़ाओगे। तो सबसे पहले तो हमारे लिए आप हैं। और दोस्तों मैं ही आप लोग से कहना चाहेंगे, हमारे मतलब जितने भाई हैं, जितने दर्शक हैं, सबसे यही कहना चाहेंगे कि भाई आप अपने में एकता बना के रहेंगे, एकदम बना के रहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उससे दोस्तों क्या होता है, एक खुशी मिलती है, अलग सा कुछ फील होता है एकता बना के रहने में। तो हम आप लोग से यही कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे, ऐसी कोई बात रहेगी तो वीडियो तो पड़ेगा ही, हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी अभी तक जो बात है कुछ नहीं है, थोड़ा सा बात था, खत्म हो गया दोस्तों। हो गया। और दोस्तों हमारे घर पे इतने लोग आए हैं देखने के, मतलब सोचने कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो दोस्तों जो भी होगा आगे जानकारी देंगे आप लोग को। तो आपका मतलब क्या राय है आप खुद कमेंट करके बताइए, और आप लोग प्यार से रहिए, झगड़ा मत करिए आपस में, क्योंकि प्यार से रहेंगे ना दोस्तों तो एक अलग खुशी मिलेगी और अलग खुशी मिलती है। बस आप लोग से ही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्यार से रहिए।